नमस्कार दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए OMG एजुकेशन को लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल OMG एजुकेशन में। दोस्तों आज हम इस वीडियो में आपसे बात करने वाले हैं कि ITI और पॉलिटेक्निक इन दोनों कोर्स में से कौन सा कोर्स बेस्ट रहेगा, और साथ ही में दोस्तों इस वीडियो में आज हम आपको बताएंगे कि जो बेस्ट करियर ऑप्शन है वो आपको कौन प्रोवाइड करेगा, ITI की पॉलिटेक्निक। दोस्तों जैसा कि आप सब जानते हैं कि ITI या फिर पॉलिटेक्निक दोनों 10th के बाद आप कर सकते हैं, और अगर हम ITI की बात करें तो आप ITI को क्लास 8 के बाद ही कर सकते हैं। तो दोस्तों हम सबसे पहले बात करते हैं ITI की। तो दोस्तों ITI उन लोगों द्वारा किया जाता है जिनका घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होती है, यानी कि वे आगे अपने पढ़ाई को करने के लिए सक्षम नहीं होते, उनके पास पैसे की कमी होती है, उन लोगों द्वारा ITI किया जाता है। और ये उन लोगों के लिए एक बेस्ट करियर ऑप्शन है हम बात करें तो, क्योंकि ITI में आपको दोस्तों टेक्निकल डिग्री मिल जाती है, और टेक्निकल डिग्री आज के इस ज़माने में बहुत अधिक ज़रूरी हो गई है। दोस्तों अगर हम पहले की बात करें तो रेलवे वगैरह में ज्वाइन करने के लिए वो बस आपसे क्लास 12th के बाद का सर्टिफिकेट मांगती थी, यानी कि अगर आप क्लास 12th में पास है तो आप रेलवे में ग्रुप डी में कम से कम अपना फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन दोस्तों ये आज के ज़माने में बदल चुका है, यानी कि अगर आप ग्रुप डी का फॉर्म भी भरना चाहते हैं तो आपके पास कम से कम एक टेक्निकल डिग्री होना मस्ट है, जो कि ITI आपको प्रोवाइड करता है। और दोस्तों ITI में सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें प्रैक्टिकल चीज़ों पर बहुत अधिक ध्यान दिया जाता है, थ्योरी चीज़ों पर आपको बहुत कम ध्यान दिया जाएगा और प्रैक्टिकल चीज़ों पर बहुत अधिक ध्यान दिया जाता है। और दोस्तों ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है, क्योंकि दोस्तों अगर आप जॉब नहीं भी करना चाहते हैं तो दोस्तों आप अपना कोई भी बिजनेस खोल सकते हैं, यानी कि जैसे कि अगर हम बात करें अगर आपने ITI इलेक्ट्रिकल चीज़ से की है तो दोस्तों आप किसी घर में जाके वायरिंग वगैरह का काम कर सकते हैं, क्योंकि अभी नए नए बिल्डिंग्स वगैरह बन रहे हैं और उसमें दोस्तों बहुत अधिक मांग है इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की। और दोस्तों अगर हम मिनिमम सैलरी की बात करें जो कि आपको ITI करने के बाद कोई भी जॉब में मिल जाएगी, तो वो दोस्तों आपको मिनिमम दोस्तों आपको 8 से 9 हज़ार की सैलरी मिल जाएगी, और उसके बाद मैक्सिमम आपको जितना चाहे आप उतना तक जा सकते हैं, डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप अपने काम को कितने अच्छे से कर पाते हैं। और दोस्तों अगर अब हम बात करें पॉलिटेक्निक की, तो दोस्तों ये ITI से थोड़ा हाई लेवल की मानी जाती है, क्योंकि दोस्तों ये 3 साल का होता है और इसमें भी जो प्रशिक्षण दिए जाते हैं वो थोड़े उनके लेवल थोड़ी सी हाई होती है, तो ये ITI से कम से कम हाई लेवल की मानी जाती है दोस्तों। और ये आपको 10th और 12th आप कभी भी कर सकते हैं, 10th के बाद चाहें तो आप 10th के बाद ही कर सकते हैं या फिर 12th के बाद आप इसे कर सकते हैं। और इस पॉलिटेक्निक के अंदर दोस्तों बहुत सारे फील्ड होते हैं, आप इलेक्ट्रिकल फील्ड चुन सकते हैं, मैकेनिकल चुन सकते हैं, आप सिविल इंजीनियर के लिए कोई भी फील्ड चुन सकते हैं, और भी कई तरह तरह के फील्ड इसके अंदर होते हैं, जैसे कंप्यूटर कोर्स हो गया और ITI वगैरह हो गया, तो बहुत सारे कोर्स इसके अंदर होते हैं, तो आप अपने मन से किसी भी फील्ड को चुन सकते हैं। और यही चीज़ दोस्तों आपको ITI के अंदर नहीं मिलती, ITI के अंदर दोस्तों फील्ड बहुत ही कम होते हैं, लगभग 4-5 फील्ड ही आपको मिल जाएगी ITI के अंदर। दोस्तों 3 साल का पॉलिटेक्निक कोर्स होता है, ये करने के बाद आप डायरेक्ट डिग्री के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, आप अगर BTech का डिग्री चाहते हैं तो आप डायरेक्ट डिप्लोमा करने के बाद अप्लाई कर सकते हैं, वो आपको 2 साल का होगा। और दोस्तों अगर हम बात करें करियर ऑप्शन की, तो अगर आप पॉलिटेक्निक किए हुए हैं तो आपको मिनिमम सैलरी दोस्तों आपको 14 से 15 हज़ार की मिल जाती है अगर आप कोई जॉब करना चाहते हैं, और अगर नहीं भी करना चाहते हैं दोस्तों आप इसमें भी अपना कोई पर्सनल बिजनेस वगैरह खोल सकते हैं, कोई इलेक्ट्रिकल शॉप खोल सकते हैं, और ये काफ़ी आपका अच्छा ऑप्शन हो पाएगा, क्योंकि दोस्तों अगर आपका पर्सनल बिजनेस होगा तो ये साथ एक जॉब से बेटर ऑप्शन होगा अगर आप ठीक से उस काम को कर लेते हैं तो। और दोस्तों अगर आप कन्फ्यूज़ है कि आप ITI या फिर पॉलिटेक्निक इन दोनों में से कौन सा कोर्स करें, तो दोस्तों आप मेरी राय माने तो अगर आप पढ़ने में ठीक ठाक है और आप पॉलिटेक्निक कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों इसमें थोड़े खर्चे अधिक होते हैं, बहुत अधिक नहीं होते हैं, थोड़े से अधिक होते हैं। दोस्तों अगर आप पॉलिटेक्निक करने के लिए सक्षम हैं तो हम आपको सलाह देंगे कि आप ITI ना करें, आप पॉलिटेक्निक ही करें। और दोस्तों अगर आप नहीं कर सकते पॉलिटेक्निक तो फिर आपके लिए ITI बेस्ट ऑप्शन होगा, और इससे अच्छा ऑप्शन आपका क्लास 10th के बाद या फिर 12th के बाद हो ही नहीं सकता। अगर आप एक सिंपल से अगर आपकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है तो आप ये आपके लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन साबित हो सकता है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि दोस्तों अगर आप सब्सक्राइब कर लेते हैं तो दोस्तों इससे हमें ये पता चलता है कि आपको इस तरह की वीडियो की और ज़रूरत है, और इस तरह की वीडियो को हम आगे और भी अधिक बना सके। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।